मीडिया टुडे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति कौर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मीडिया टुडे समाचार। देखते हैं खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की नर्सेज आज से हड़ताल पर है। यहां पर रेगुलर स्टाफ हड़ताल पर है। जिन स्टाफ की ड्यूटी कोविड 19 वैक्सीनेशन में लगाई गई है वह अपनी ड्यूटी पर काला रिबन लगाकर ड्यूटी कर रही हैं। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। 28 जून को सामूहिक अवकाश, 30 से अनिश्चितकालीन हड़ताल। अपनी मांगों को मनवाने नर्सों ने दी चेतावनी। नर्सों की हड़ताल जारी, चरमरा जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएं। मंडला जिले के सभी 217 नर्स 28 जून को सामूहिक अवकाश पर रहेंगी। वहीं अपनी कुछ मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की चेतावनी दे चुकी हैं। मंडला जिले की सभी 217 स्टाफ नर्सों ने 28 तारीख को सामूहिक अवकाश के साथ ही 30 जून से सामूहिक हड़ताल पर जाने की चेतावनी सरकार को दे दी है। जिनका कहना है कि यह हड़ताल प्रदेश व्यापी रहेगी और जब तक उनकी लंबित मांगे नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल चलेगी। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत इन नर्सों के अनुसार कोरोना काल में लगातार ड्यूटी करने के बाद भी इस दौरान जिन नर्सों की मृत्यु हुई उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई, पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी नहीं मिला, 2005 से बंद कर दी गई, इसके अलावा 2 कमोन्नति की मांग भी प्रमुख है। देखिए भैया, हमारी कई मांगे हैं। सबसे पहले तो जो मतलब अदर स्टेट की में मतलब हमारा रेट पे ज़्यादा है और यहाँ मतलब काफ़ी साल से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और नाइट ड्यूटी का अलाउंस नहीं मिलता है। जैसे अदर स्टेट में नर्स स्टाफ नर्स का पद नेम मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, यहाँ पर स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर ही चल रहा है और भी कई मालूम हैं। मंडला के CMHO डॉक्टर शिनाज सिंह ने जब नर्सों की हड़ताल पर बात की गई तो उनका कहना है कि वैकल्पिक विकल्प के प्रयास किया जा रहा है लेकिन नर्सों के हड़ताल पर जाने से काम प्रभावित होता ही है। ऐसे में सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द ही हड़ताल को रोकने और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाए जाने का रास्ता निकाला जा सके। मैसेज एक तो ये है कि आज हम हेल्थ स्ट्रक्चर के उन्नयन के ऐसे रिफॉर्म पर खड़े हैं कि जहाँ एक भी व्यक्ति किसी भी कैडर का हड़ताल हमें और हमारी पूरी स्वास्थ्य सेवाओं की तीसरी कोरोना से लड़ने वाली लहर को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है। मेरा नर्सिंग एसोसिएशन से भी लगातार ही चर्चा पे होती रहती है इन लोगों को, तो ये है। दूसरा, अवेयर गवर्नमेंट भी पूरी तरह पूरी, जैसा कि आप लोगों ने आज ही के प्रोग्राम में देखा कि पूरा का पूरा राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीवन इज सेंसिटिवली इन्वॉल्व इन द इशूज़ ऑफ हेल्थ सेक्टर्स, चाहे वो उन्नयन का हो चाहे वो HR का हो। तो उनकी जो मांगे हैं उनको ऊपर मैंने इसको सॉफ्टली विचार कर रहा है शासन और ऐसा लगता है कि 30 तारीख तक से पहले उनकी मांग में कुछ ना कुछ एक ठोस निष्कर्ष निकल जाएगा। एक तरफ कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने का प्रयास कर रही, वहीं दूसरी तरफ कभी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल तो कहीं आशा कार्यकर्ताओं और नर्सों की हड़ताल। कोरोना की तैयारियों पर ब्रेक सा लग रहा है। हड़ताल के बाद बेमुश्किल जूनियर डॉक्टर काम पर लौटे हैं, जिसके बाद अब नर्सों के द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी जा चुकी है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रभावित होना निश्चित ही है और स्वास्थ्य विभाग भी समझ रहा है कि इससे मुश्किल कितनी बढ़ने वाली है। ऐसे में अब गेंद सरकार के पाले में इन विपरीत परिस्थितियों में वह इस हड़ताल को किस तरह रोकने में सफल होती है। क्योंकि हमारी ड्यूटी वैक्सीनेशन में लगी है, नेशनल प्रोग्राम प्रभावित ना हो इसलिए हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी हड़ताल में शामिल हैं, ब्लैक रिबन लिखकर हम भी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। मेरी मम्मी यहाँ पर एडमिट है, मैं देख रहा हूँ कि जो सुबह 6 बजे बॉटल लगने वाली थी वो जाके अभी 9:30 बजे लगी। यहाँ पर जूनियर नर्सेज आई हुई हैं, ये इनको भी थोड़ा ट्रेंड नहीं है, और सीनियर नर्स जो हड़ताल में हैं उनकी वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, काफ़ी मरीज परेशान हैं। ये देखते हैं राजधानी की खबरों की तरफ, क्या खास है आपके लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे दूरदर्शी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवल देश के 18 वर्ष की आयु के ऊपर के हर व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगवाकर उन्हें कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि देश के जिन क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भ्रम है उस भ्रम को भी दूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम डुलारिया में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम व्याप्त था, लोग डर रहे थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से वहां लोगों से सीधे बातचीत की तथा उन्हें सरल भाषा में समझाया। इसके बाद गाँव में उत्साह के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश की सरकार जनता के साथ हर कदम पर खड़ी हुई है। कोरोना महामारी जनता को राहत प्रदान करने के सारे उपाय सरकार दे रही है। निरंतर विकास के कार्य भी कराए जा रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दौरान ग्राम सतारी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गौ माता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी भी कहा गया है। गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र मानव जीवन में बहुत उपयोगी होता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह यादव ने चंदेरी के फंडागिरी में गौशाला के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने आज मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के गांव कोलवा में गायत्री परिवार द्वारा लगाए जा रहे 2100 पौधारोपण कार्यक्रम में भागीदारी की। श्री डंग ने लायंस क्लब के सहयोग से गायत्री परिवार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे इस कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। रुख करते हैं मंडला की खबरों की ओर। भाजपा मंडल चिराई डोंगरी के टाटरी गांव में भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ टीवी पर मन की बात देखा। मंडल के केरे गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी टीवी पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को देखा गया। प्रत्येक वर्ष का जून माह मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। भारत में जून के महीने में मानसून की शुरुआत होती है। मानसून की शुरुआत होते ही मच्छरों की संख्या एवं घनत्व में भी वृद्धि होने लगती है। इसमें आवश्यक है कि हम मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को लेकर जागरूक रहें। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिवनाथ सिंह ने एडवाइजरी जारी की है। बरसात के दिनों में सांप काटने के केस अत्यधिक सामने आते हैं। सांप काटने में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा सांप काटने को अनदेखा ना करें। किसी नज़दीकी अस्पताल तुरंत लेकर जाएं। झाड़ फूंक से बचें। सांप के दांत के नीचे विष की थैली होती है। काटने में विष की थैली सीधे शरीर में खून के माध्यम से जहर फैला जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिवनाथ सिंह ने बताया कि आमजन से अपील है कि मच्छरों से फैलने वाली उक्त से बचाव हेतु मच्छरों की वृद्धि रोकने के लिए अपने घर व आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। पात्रों में भरा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य खाली करें। मच्छरों से बचाव करें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाले साधन जैसे क्रीम, क्वाइल, रिप्लेंट इत्यादि का प्रयोग करें। धन्यवाद। मीडिया टुडे समाचार आपसे अपील करता है कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, कोविड वैक्सीनेशन का टीका जरूर लगवाएं, हाथों को बार बार धोएं। हमें मीडिया टुडे समाचार में फॉलो करने के लिए YouTube, Facebook और Play Store ऐप में हमें डाउनलोड और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।